टू माई चैनल, दिस इज ज़ारा। और हम यानी कि मैं और मेरे फ्रेंड निकल पड़े वेल के लिए, जो कि क्लोराडो में एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। जैसे कि आप देख सकते हो, खूबसूरत से माउंटेन और जो लीव्स के कलर चेंज हो रहे हैं क्योंकि फॉल का सीजन आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव थी और हमें बहुत मजा आया, नज़ारे तो बेहद खूबसूरत थे। मेरे दोस्तों को वीडियो में नहीं आना था तो मैंने उनको ज़्यादा वीडियो में लिया नहीं, तो मैंने सिर्फ जगह की वीडियो ली, जो कि मेन तो मेरा वही मकसद था कि मैं जहाँ जा रही हूँ उसको कैप्चर करूँ। हमें लगी थी जो भूख, क्योंकि हम दो घंटे से ड्राइव कर रहे थे और फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो बस ले लिया और वहाँ से हम स्मॉल टाउन की तरफ निकल पड़े जिसका नाम है लायन हेड। और ये टाउन इतना खूबसूरत है, मुझे जितनी बार मैं आती हूँ उतनी बार मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने उसे पहली बार देखा था वैसे ही। और इतनी बारिश हो रही थी, कुछ तो हम भीग भी गए थे और हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं था, पर खैर जो भी हुआ, बारिश ने हमारा मज़ा नहीं रोक पाई बल्कि और खूबसूरत ही नज़ारे हो गए थे। मैं और मेरे फ्रेंड्स वीडियो लेते लेते चलते गए और ये रहा रेस्टोरेंट, जो कि मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। हम यहाँ पे चले गए क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था पर हमें एक अच्छा सा कुछ पेट भर के खाना खाना था, तो हम यहाँ पे सेटल हो गए, मेन्यू देखा और उसके बाद जो है कि खाना ऑर्डर कर दिया। और ये रहा टैकोस, बुरीटोस और एक और टैकोस चिप्स के साथ, हमने खूब एंजॉय किया, थोड़ा सा डिज़र्ट लिया, फिर उसके बाद निकल पड़े बाहर, जाके सारे खूबसूरत नज़ारे देखे और खूब सारे वीडियोस, फोटोज, सोलो पिक्चर्स, ग्रुप पिक्चर्स, सभी कुछ ले लिया हमने, मतलब कि बहुत ही सारे फोटोज लिए। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमने एक ब्राइड को देखा फोटोशूट करते हुए, क्योंकि वो एरिया इतना खूबसूरत था, उन लोगों ने फोटोशूट के लिए चूज़ किया जो कि वाकई में देखने लायक था। मुझे नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो मैं ऐसे कोई भी टाउन सेलेक्ट करती हूँ और फिर उस सब जगहों को मतलब एक्सप्लोर करती हूँ, वीडियोस लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर उसके बाद हमने कुछ फ्लावर्स देखे जो कि मैंने कभी नहीं देखे थे, तो मैंने उनके भी वीडियोस ले लिए, थोड़े से गोभी जैसे दिख रहे हैं बाय द वे। उसके बाद हमने एक म्यूजियम देखा जो कि फ्री था, वहाँ पे वेल के सारे, वेल कह रही हूँ, स्की के सारे जो क्लोथ्स थे, गेयर्स थे, शूज़ थे, शुरुआती दौर से जो थे, यानी कि स्टार्टिंग में जो लोग कैसे पहनते थे और यहाँ तक कि अब तक जो पहनते हैं, यानी कि 2024 तक के, तो उन सब के बारे में पूरा डिटेल था, मतलब डिटेल्स था और एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने रखा भी था कि देखो कितना चेंजेस आया है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, देखकर अच्छा लगा बिल्कुल, पर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को इंटरेस्ट था और कभी कभी हमें आपको हम सबको वो भी करना चाहिए जो दूसरों को पसंद हो, सिर्फ एक इंसान के तौर तरीके से तो नहीं चलता ना। और फिर हमने देखे और फ्लावर्स, फिर यहाँ पे भी हमने फ़ोटो लेना शुरू किया उसकी, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लिए क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत सी क्रीक भी थी जो कि हमें देखने में बहुत अच्छा लगा और थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बैठे, देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, ताज़ी ताज़ी हवा। और मेरे दोस्तों के मैंने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स लिए, वो बहुत खुश हो गए थे, वो भी ले रहे थे। उसके बाद जब हम पार्किंग लॉट की तरफ वापस निकलने लगे तो हमने ये खूबसूरत सा माउंटेन देखा, कितना प्यारा लग रहा था, क्लाउडी पूरा और उसके ऊपर जो क्लाउड्स थे वो कितना अच्छा लग रहा था पूरा। वैसे तो हम सोच रहे थे कि सनसेट से पहले ही पहुंच जाए लेकिन ये पॉसिबल हुआ नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी हम बहुत इन्जॉय किए। उसके बाद आप जैसे देख सकते हो कितना फॉगी हो गया था, मैंने ड्राइव किया, थोड़ा सा डर भी लग रहा था पर मैंने ज़्यादा जाहिर नहीं किया, बट स्टिल फिर भी सेफली चला के हम घर पहुँच गए, पर बहुत अच्छा रहा सफ़र। और फाइनली मैं घर में आके फिर फ्रेश होके खाना बनाया और खाना खा भी लिया, अब बस आराम करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और आप मुझे बताओ कि किस किस्म के वीडियोस पसंद करते हैं देखना। तो आई नो के बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे और बहुत कुछ अच्छा बना सकते पर मैं क्या बनाऊँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, थोड़ा मिक्स है, थोड़ा मेरे फ्रेंड्स के बारे में, थोड़ा घर से रिलेटेड, थोड़ा खुद के बारे में, थोड़ा ट्रैवल के बारे में, अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ फॉलो करें। बाय बाय।